जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं T1 मैथ क्लास। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें आप लोग के कि इस चैनल पे मैथ की क्लास चालू है। परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो में आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, और बहुत ही गजब से बताए हैं उसमें कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बात किए हैं, और परसेंटेज को बेसिक से बताए हैं, बहुत बेसिक से बताए हैं। जो स्टूडेंट मैथ में बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैथ क्या होता है नहीं जानते हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए। 100% हम देते हैं आप लोग गारंटी, परसेंटेज को आप लोग सीखिएगा और समझिएगा। आज की इस वीडियो में बात करते हैं परसेंटेज के, उस वीडियो में बात किए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग की। क्या करेंगे बात दोस्तों, आज बात करेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग के ऐसा पढ़ लेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, SSC GD छोड़िए, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग धुंधुलार छोड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा, ऐसा पढ़िए। सबसे प्रथम हम जानेंगे आज की इस वीडियो में पासा के, डाइस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डाइस यानी कि पासा, पासा के बारे में पढ़ेंगे। और पासा को ऐसा पढ़ेंगे कि आप लोग देखिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि ऐसा बना देंगे आप लोग को पासा में, से आप लोग समझिएगा क्या बात है। पासा को पढ़ा दिया मास्टर, आप लोग ये पासा को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, देखिएगा कैसे होता है। खाली धैर्य बनाकर रखिए और विश्वास करके रखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा और क्वेश्चन भरपूर रहेगा, प्रैक्टिस भरपूर रहेगा हमारे तरफ से सब कुछ। लेकिन आप रिवीजन कीजिएगा और आप गजब से मेहनत कीजिए और बता दीजिए हाँ पासा होता है, पढ़े थे। चलिए पासा के बारे में कॉन्सेप्ट जानते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए पासा क्या होता है, पासा आप लोग लीडो देखे हैं, लीडो, लीडो छक्का, लीडो देहात में कहा जाता है लीडो, वही लीडो को पासा कहते हैं। उसमें 6 सतह होता है, कितना सतह होता है, 6 सतह, छक्का लीडो कहता है ना, छक्का लीडो, वही 6 सतह होता है, क्या होता है 6 सतह, उसी प्रकार पासा होता है, वही पासा होता है। देखिए पासा होता है 2 प्रकार के, कितना होता है 2 प्रकार का, कितना होता है 2 प्रकार का, एक होता है मानक पासा, क्या होता है दोस्तों मानक पासा, क्या होता है मानक पासा, क्या होता है मानक पासा, दूसरा होता है दोस्तों साधारण पासा, साधारण पासा, क्या होता है साधारण पासा, क्या होता है साधारण पासा, क्या होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा, एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। आप समझेंगे कि मानक पासा और साधारण पासा होता क्या है, मानक पासा साधारण पासा होता क्या है दोस्तों। देखिए मानक पासा और साधारण पासा के एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से जानेंगे होता क्या है, चुटकी बजाएंगे, खेल खत्म। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए, पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है, इसमें यहां आ गया 3, यहां आ गया 2 और यहां आ गया 1, और एक एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं, यहां आ गया 5, यहां आ गया 2, यहां आ गया 3। एक एग्जाम्पल इसका मानक को ले लिए, एक एग्जाम्पल साधारण को ले लिए, क्या होता है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए क्या होता है मानक पासा में, मानक पासा में होता है किन्हीं 2 सतहों का योग, किन्हीं 2 सतहों का योग 7-9 हो, उसे हम क्या कहते हैं मानक पासा कहते हैं, समझ में आया, किन्हीं 2 सतहों का योग 7-9 हो उसे मानक पासा कहते हैं, क्या कहते हैं मानक पासा कहते हैं। देखिए कैसे, इसको इसको जोड़िए 3 आता है, इसको इसको जोड़िए यानी कि योग कीजिए कितना आता है 5 आता है, 7 आया ना आया, क्या है मानक पासा है। इसको इसको जोड़िए 4 आता है, क्या है 4, क्या आता है 4 आता है, आया 7। किन्हीं 2 सतहों का योग 7-9 हो उसे हम मानक पासा कहते हैं, समझ गए क्लियर।
किन्हीं दो सतहों का योग 7:9 हो उसे हम क्या कहते हैं, मानक पशा कहते हैं। क्लियर, साधारण पशा पर चलते हैं। देखिए इधर दो जोड़िए, इधर जोड़िए 5, इधर जोड़िए 8, इधर जोड़िए 7, इसका क्या होगा, किन्हीं दो सतहों का योग कितना, किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो उसे हम साधारण पशा कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण पशा कहते हैं। फिर से समझिए, किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पशा कहते हैं। क्लियर, आप बोलिएगा सर कैसे हम जानेंगे साधारण पशा और मानक पशा, कौन है साधारण पशा कौन है मानक पशा, आपको यहां से क्लियर चलेगा। कहां से, यहां से क्लियर चलेगा दोस्तों, यहां से, यहां से किन्हीं, फिर से यहां लिख देते हैं ना, तो लिख देते हैं यहां किन्हीं दो सतहों का योग 7:9 हो, 7:9 हो मानक, दूसरा लिखिए किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं दो सतहों का योग कितना हो, 7 हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पाशा। समझ गए, क्लियर है यहां तक। और इसमें पूछ देगा, पूछेगा सर इतने बता दिए आप, क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसा पूछता है, चुटकी बजाते सॉल्व। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है दोस्तों, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे से सर बता दिए साधारण पशा और मानक पशा, तो ये क्वेश्चन कैसा पूछता है। क्वेश्चन देखिए आप लोग के बीच में हम क्वेश्चन भी लाते हैं, देखिए क्वेश्चन दे देगा, ये दे दिया 2, ये दे दिया 4, ये दे दिया 1, और पूछ देगा क्या, पूछ देगा, पूछ देगा 2 का विपरीत क्या है, क्या है, पूछ देगा 2 का विपरीत क्या है, है ना, 2 का विपरीत क्या है, पूछ देगा कैसा करेंगे। आप तो बोल रहे थे, आप कहिएगा बोल रहे थे चुटकी बजाते ही सॉल्व। तो दोस्तों यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्या देखिए, यहां देखिए, मान ये सबसे प्रथम देखिए कि ये कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, देखिए कौन सा पासा है, इसको जोड़ेंगे क्या आता है 3, इसको जोड़ेंगे क्या आता है 6, इसको जोड़ेंगे क्या आता है 5, कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, मानक पासा है, कौन सा, मानक पासा है, कौन सा पासा है, मानक पासा है, तो मानक पासा है तो क्या करेंगे, मानक पासा है तो क्या करेंगे, मानक पासा होता है दोस्तों तब इसका विपरीत सतह 7 होता है। ऐसे देखिए 2 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा, इस 2 में कितना जोड़े से यह 7 हो जाए, कितना जोड़े यानी कि योग कितना करे, ऐड कितना करे कि 2 को कितना ऐड करे कि यह 7 हो जाए, क्या हो जाए, 7 हो जाए। आप कहिएगा 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका विपरीत क्या हो गया, 5, क्या हो गया, 5, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पूछ देता इसी क्वेश्चन में 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, तो बताइए दोस्तों, आप बताइए आप लोग,
बताइए। तो आप लोग बताइए, आप लोग बता चुके होंगे। देखिए आप लोग को हम बताए हैं दोस्तों, आप लोग को हम बताए हैं कि विपरीत पूछता है तो सात होता है। क्या होता है वह संख्या या संख्या दिया हुआ है, एक संख्या है, इसमें हम कितना जोड़े से यह सात हो जाएगा, कितना जोड़े था, कितना जोड़े तो सात हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इसमें हम जोड़ देंगे छ, क्या जोड़ देंगे छ, तो सात हो जाएगा, सात हो जाएगा, सात हो जाएगा। देखिए इससे क्या पता चलता है, एक का विपरीत छ, छ का विपरीत एक, एक का विपरीत छ, छ का विपरीत एक, एक का विपरीत छ और छ का विपरीत एक, क्लियर। आप पूछ देता यहां चार का विपरीत क्या हो जाएगा, चार का विपरीत क्या होगा बताइए, आप लोग कहिएगा तीन हो जाएगा, क्लियर। देखिए तीन में सात, चार में तीन जुड़ेंगे तो सात हो जाएगा, ठीक है, तीन में चार जुड़ेंगे तो सात हो जाएगा, यानी कि तीन का विपरीत चार, चार का विपरीत तीन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखिए एक, एक दो तीन और चार पांच छ, छ गो आ गया, कुल कितना सतह होता है छ होता है, कितना सतह होता है छ होता है, कुल सतह यहां लिखिए कुल सतह स छ, क्लियर है, क्लियर है। तो चलते हैं एक दो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है तो चलते हैं। आप लोग को हम देते हैं, दे दिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों दो एक तीन, बताइए आप लोग एक का विपरीत क्या होगा, बताइए एक का विपरीत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं पांच चार, और इधर दे देते हैं एक, यहां पूछ रहा है पांच का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत क्या होगा, ठीक है। आप बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। तो दोस्तों आप लोग से पूछ रहा है इसमें एक का विपरीत क्या होगा, क्या होगा एक का विपरीत क्या होगा, आप लोग को हम क्या बताए हैं। सबसे प्रथम बार इसको हम देखेंगे इसकी कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो इसमें हम देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये पांच होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा तीन, और इसको जोड़ेंगे तो ये होगा चार, यानी योग यानी कि ऐड कुछ भी कहिए, ठीक है चार। तो ये कौन सा पासा हो गया, कौन सा पासा हो गया मानक पासा। तो कौन सा पासा है दोस्तों, मानक पासा है, कौन सा पासा है मानक पासा है, कौन सा पासा है मानक पासा है। तो मानक पासा आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग के बीच में हम बताए हैं। तो एक का विपरीत पूछ रहा है तो हम बताए हैं कि विपरीत सतह का योग कितना होता है, सात होता है विपरीत सतह का योग। आप लोग लिख लीजिए नोट करके, नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, योग सात होता है, सात होता है विपरीत सतह का योग सात होता है। आप बताइए एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक में क्या जोड़े से सात हो जाएगा, तो छ जोड़ देंगे। तो छ का विपरीत पूछता तो एक, एक का विपरीत पूछेगा तो छ। इधर पूछ रहा है पांच का विपरीत क्या होगा, तो पांच का विपरीत क्या हो जाएगा दो, कितना होता है देखिए चुटकी बजाते हैं सॉल्व, चुटकी बजाते सॉल्व। देखिए आपको दे देगा तीन दो एक, पूछ देगा तीन का विपरीत क्या होगा तो चार, देखिए कैसे सेकंड लगता है। इसमें पूछ देता दो का विपरीत क्या होगा पांच, इसमें पूछ देता एक का विपरीत क्या होगा छह, कैसे सेकंड लगता है। देखिए गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, बुक उठाकर देखिएगा,
वो उठाकर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर बुक में रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बुक में रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है, चुटकी बजाते सॉल्व हो जाता है। देखते हैं, आप लोग को हम बताए थे क्लास शुरू होने से पहले, तो धैर्य बांध कर रखिए, क्वेश्चन को ऐसा बना देंगे से आप लोग देखिएगा, एंसर कीजिएगा, एंसर कीजिएगा, एंसर आता है, आ गया ना। इसलिए पूछता चार का विपरीत क्या हो जाएगा तो तीन, पांच का विपरीत क्या आ जाएगा तो दो, छ का एक का विपरीत क्या हो जाएगा तो छह, छह का विपरीत क्या आ जाएगा तो एक, दो का विपरीत क्या हो जाएगा तो एक, दो का विपरीत क्या हो जाएगा तो पांच, तीन का विपरीत क्या हो जाएगा चार। क्लियर है, तो आज के इतना ही रखते हैं, आगे हम जानेंगे साधारण भाषा के बारे में और बहुत सारा टाइप पढ़ना है इसमें, टाइप नंबर यानी कि सिंगल डाइस हम पढ़ेंगे, सिंगल डाइस में तो पढ़ लिए हैं, मानक भाषा साधारण भाषा भी सिंगल डाइस में पढ़ लेंगे, और साधारण भाषा में डबल डाइस पढ़ेंगे तो मोर देन टू डाइस पढ़ेंगे और ओपन डाइस पढ़ेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है और बहुत सारा टाइप पढ़ना है, क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी ही क्लास चलेगा, धुआंधार क्लास, और देखिएगा धुआं धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन को, चुटकी बजाएंगे और क्वेश्चन, आप लोग पहला क्लास देख रहे हैं और ऐसे ही क्लास में मजा आएगा, आप लोग को बता देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर कीजिएगा। आप लोग को हम एक दो दे देते हैं क्वेश्चन, आप लोग बना कर लाइएगा, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, बना के दे देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है, तीन दो एक, तीन का विपरीत बताइएगा, क्वेश्चन नंबर इसी में दो का विपरीत बताइएगा, दो का विपरीत बताइएगा, इसी में एक का विपरीत बताइएगा, क्या क्वेश्चन हो गया, एक दो तीन को क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं दोस्तों, चार दो पांच, और इसका इसमें पांच का विपरीत बताइएगा, इसमें चार का विपरीत बताइएगा, इसमें क्वेश्चन चार का विपरीत, विपरीत शब्द बताइएगा, विपरीत क्या, विपरीत बताना है सबके, विपरीत विपरीत बताना है सबके, सबको क्वेश्चन आप लिख लीजिए और सबको विपरीत बताना है, आप लोग कॉपी में उतार लिए होंगे जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं, आज के इतना ही, मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही, और SSC GD के हर बच्चों तक यह वीडियो पहुँचाइए, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, अपना ही नाम चलेगा SSC GD में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।